नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सोनार का तराजू चेक करने का बहाना बनाकर लोगों के गहने चुराने वाले शातिर बदमाश को नवी मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, आजकल के समय में आपराधिक किस्म के शातिर बदमाश आम लोगों को लूटने नए नए पैंतरे आजमाने लगे हैं। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व नवी मुंबई ने ऐसे ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका लूट का तरीका बेहद अलग था। आरोपी कभी लूट के शिकार लोगों को सोनार का तराजू चेक करने का बहाना बनाकर उनके सोने चांदी के गहने लूट लेता था, तो कभी बीच रास्ते में बहरुपया बनकर आगे दंगा फसाद शुरू है और आप आगे जाएंगे तो आपका नुकसान पहुंच सकता है, आपके गहने लूटे जा सकते हैं कहकर महिलाओं से जेवर उतरवा लेता था और फिर रफू चक्कर हो जाता था। आपको बता दें, आरोपी वारदात को अंजाम देने के समय ऐसी बातें करता था कि हर कोई उसकी बात में आ जाता था। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपी लोगों से कहता था कि मुझे सोनार का तराजू चेक करना है, इसलिए मुझे अपनी चेन दे दो, जिसके चलते लोग उसे अपना सामान दे देते थे। आरोपी चेन लेकर भाग जाता था। ऐसे कई वारदात नई मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में घटी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को खोजना शुरू किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी तुरबे स्टेशन के पास आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अब तक कई गुनाह कबूल किए और पुलिस को उसके पास से करीब 2,68,000 रुपये का सामान भी बरामद हुआ है। विपिन कुमार सिंह ने कहा कि आरोपी की चोरी की घटना को अकेले ही अंजाम देता था, इसलिए उसको खोजना काफ़ी कठिन था। उसके बावजूद उनकी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनिए नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। आईपीसी में गुनाह दाखिल हुआ था, उसमें ये था कि एक जो आरोपी था वो ऐसे बातचीत करके और उसका फंसा करके उसका दागिने लेके चला गया था। तो इसका जो तपास हमारे क्राइम ब्रांच के यूनिट वन के इंस्पेक्टर सुनील सिंधे और उनकी टीम PI नीलेश पाटिल और बाकी लोगों ने इसके तपास में मेहनत करके उस आरोपी को पकड़ा। इसको 23 सितंबर को इसको अरेस्ट किया वहाँ पे तुरबे रेलवे स्टेशन के बाहर, और इसका नाम है किरण रमणिक लाल साहा। इसकी उम्र है 40 वर्ष और रहने वाला घाटकोपर का है। अभी तक हमारे यहाँ के पुराना एक वासी का केस है और अभी 3 केसेज जो रबाले, तुरबे और कोपर खनने के 4 केसेज हमारे इसके इन्वेस्टिगेशन में अभी डिटेक्ट हुए हैं, और इसमें बाकी 26 केसेज और डिटेक्ट हुए हैं जो ये मैक्सिमम मुंबई के हैं, पवई के हैं, भांडुप के, वकोला, एनएम जोशी और नेहरू नगर, पंत नगर, ऐसे करके कुल 26 केसेज अभी तक तो मिले हैं। लेकिन इसमें और भी टोटल 125 लोगों को इसने अभी तक ऐसा अपने उसमें बोलने की जो कला है, कुछ फास्ट बोल करके लोगों को अपने विश्वास में ले करके उनका दागिने को निकलवा लेता था। लोगों को बोलता था कि नहीं, आपने ये किया है, आपने वो लड़की को कट मारा है, आपने कोई प्रेग्नेंट लेडी को कट मारा है, और आपका इससे ऊपर से आपकी शिनाख्त हो जाएगी, निकाल के दिखाओ तुम ही आदमी हो, कुछ बात करके आदमी डर के मारे या उसके चक्कर में आकर के देता था उसको। सो विदाउट वायलेंस यूज नहीं करता था, लेकिन उसमें इसने ये लोगों को फंसा करके उनके जो ज्वेलरी वगैरह लेके जाता था, और इस तरह से इसने अभी तक इसने 125 लोगों को फंसाया हुआ है। अब हिप्नोटाइज भी यही है, कला ही हाथ की सफाई है, तो इसकी भी बोलने की जो कला है उसका डेमो भी लिया हमारे एडिशनल सीपी घुरे साहब ने। इतना फास्ट हिप्नोटाइज तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ फास्ट बोल करके आपको विश्वास में लेना, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही बोल रहा है और ऐसा कुछ हो सकता है। और आप देते हैं ऐसे और भी 2-3 लोग ऐसे क्राइम करने वाले हैं। हमने इसके पहले भी एक आदमी को पकड़ा था जो कि अपने आप को पुलिस का बोल करके सामने कहीं दंगल हो रहा है, कहीं रायट हो रहा है, अपने सारे दागने निकाल के दे दो, इसमें अपने रुमाल में बांध करके मेरे पास दे दो, नहीं तो फिर ये लोग कुछ हो जाएगा, पकड़ लेंगे, कुछ करेंगे। तो आदमी उस समय स्पेशली वो जो ओल्ड लेडीज़ हैं या और भी लोगों को जो टारगेटेड, उनको लगता है कि नहीं हमारी बात सुनेंगे और फंस जाएंगे। तो ऐसे भी हमारे केसेस पहले भी हो रखे, हमने पहले 1-2 लोगों को पकड़ा भी है, और अभी ये तीसरा जो ये किरण लमलियाल साहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही होशियार है बोलने वोलने में,
सर जैसे कि आपने बताया कि हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।